एक्सरसाइज 2.1 के साथ क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने कुछ कंडीशंस को वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि शो दैट द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे अगर हमारे पास सी स्क्वायर बराबर हो जाए ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ये तो एक्स स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, लेकिन यहाँ पर फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक ही जगह मौजूद है यहाँ पर एम एक्स और बी की जगह यहाँ पर मौजूद है सी। इसके लिए फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एम एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसी तरह ये सी स्क्वायर हो जाएगा और ये टर्म बन जाएगा 2mcx। इस ए स्क्वायर को क्योंकि यहाँ से खत्म करना है तो इसको हमने दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो यहाँ पर ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा जीरो। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर के टर्म हमारे पास यहाँ पर दो है, तो हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लिया। उसके बाद हमने एक्स वाले टर्म को लिखवा दिया और सबसे आखिर में हमने कांस्टेंट टर्म को लिखवा दिया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर पहले आता है, एक्स सेकंड पे आता है और कांस्टेंट टर्म तीसरे नंबर पर आता है। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है और कांस्टेंट टर्म यहाँ पर सी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इक्वल रूट्स के लिए हमारे पास कुछ कंडीशन है कि रूट्स हमारे पास कब बराबर होते हैं। सो फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट आप लोगों के पास इट शुड बी जीरो। डिस्क्रिमिनेंट का जीरो होना शर्त है। डिस्क्रिमिनेंट बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4ac की इज इक्वल टू जीरो। हम इसी डिस्क्रिमिनेंट में ए बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे। इधर हमने बी की वैल्यू पुट कर दी, इधर हमने ए की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पर हमने सी की वैल्यू पुट कर दी। 2mc का होल स्क्वायर बन जाएगा 4m2c2 और पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई सी बन जाएगा सी स्क्वायर और 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस ए ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर। एम स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर बन जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर और ये प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस और एम स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर के साथ। अगले स्टेप में हमने इस 4 को, लेकिन इसका साइन माइनस है, इसको हमने इस ब्रैकेट के अंदर हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसको हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला टर्म बन जाएगा माइनस 4c2, दूसरा टर्म बन जाएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो 4a2 बन जाएगा। इसी तरह ये माइनस था और ये प्लस था तो ये बन जाएगा माइनस 4m2c2, ये भी माइनस और ये भी माइनस तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये आ जाएगा 4m2a2 बन जाएगा इज इक्वल टू जीरो। लेकिन यहाँ पर ये प्लस 4m2c2 है और यहाँ पर माइनस 4m2c2 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इधर रह जाएगा माइनस 4c2 प्लस 4a2 प्लस 4ma2a2। यहाँ पर ये माइनस टर्म था तो इसको खत्म करने के लिए हमने इसको ऐड कर दिया दोनों साइड। जब ये दोनों साइड ऐड होगा तो ये इधर आकर आप लोगों के पास बन जाएगा प्लस 4c2। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 भी कॉमन है और साथ साथ स्क्वायर भी कॉमन है, तो हमने यहाँ से 4 और ए स्क्वायर को कॉमन कर लिया। तो अगले स्टेप में हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 रह जाएगा और यहाँ पर एम स्क्वायर रह जाएगा। अगले स्टेप में हमने यहाँ से इस 4 को खत्म करना है, तो 4 को खत्म करने के लिए हमने इसको दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पर रह गया ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर रह गया। या तो हम इसको इस तरह लिखेंगे या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर को हम यहाँ लिखे और ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर को यहाँ लिखे। तो ये वो कंडीशन थी जो वेरीफाई हो गई है, क्योंकि क्वेश्चन में भी ये बात यहाँ पर गिवन थी कि इसके रूट्स इक्वल होंगे तब कब, अगर आपके पास सी स्क्वायर बराबर हो जाए ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर हो जाए। सो दैट्स व्हाई, इसी वजह से इस इक्वेशंस के जो रूट्स होंगे वो आप लोगों के पास इक्वल होंगे। इंशाल्लाह अगली दफा हम एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे और उसमें हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और टॉपिक होगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर का इंतजार करें। अल्लाह हाफिज़।